सोच थी कि मैं बिजनेस करूंगी, तो मैंने बचपन से स्टार्ट कर लिया। तो फ्रेंड एक बात बता दूं, भाई फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी 12 साल के बच्चे हैं और वो अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मात्र 12 साल की लड़की है, मात्र 12 साल की बच्ची है, वो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर कर रही है अपना फूड का बिजनेस। और आइए बताते हैं आपको कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक ये पहुँचा। चलिए मेरे साथ सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। हेलो, क्या नाम है आपका? ज्ञानी। ज्ञानी नाम है। बताइए आपने ये सब कैसे शुरू किया? मेरे यहाँ ना स्कूल में फंक्शन था, फन फेयर था, तो मैंने सोचा कि सबसे अलग कीजिए, तो सब पानी पूरी तो खाते हैं, उसमें कुछ नया लाए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पिज़्ज़ा कुछ का, मतलब पिज़्ज़ा सबको पसंद है, तो पिज़्ज़ा का टॉपिंग बना के सब क्रिएट करें। तो मैंने घर पे भी सारे सॉस क्रिएट किए हैं, वैसे मेरे को आइडिया आया। तो वहाँ सब लोगों को बहुत पसंद आया? बहुत। तो आपने कैसे सोचा कि इस तरीके का फूड काउंटर शुरू करेंगे, लोगों को खिलाएंगे? मेरा मन, मतलब मेरे को अच्छा लगता था बिजनेस करना, तो मेरा बचपन से मतलब सोच थी कि मैं बिजनेस करूंगी, तो मैंने बचपन से स्टार्ट कर लिया। तो फ्रेंड एक बात बता दूं, बचपन से इन्होंने शुरुआत कर दिया, बचपना तो अभी भी है खैर, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। और सबसे बड़ी बात, इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं इनके पापा, साथ में खड़े रहते हैं स्टॉल पर और पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए दोनों लोग यहाँ पर मिल करके प्यार से पुचका बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं और साथ में, तो आप भी बना लेते हो ना कम्प्लीटली? हाँ सर। क्या बात है, तो चलिए आज हम इनके ही हाथ से ट्राई करने वाले हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का है, अर्निंग का नहीं है। जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तब यही आगे बढ़ेगा। और जो मेरा रिव्यू था वो कस्टमर लेके आई हुई, मैंने आज तक कोई मार्केटिंग नहीं किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे जो पुचका ट्विस्ट है बनना शुरू हो चुका है और सबसे पहले जो फ्रेश पूरी है उसको थोड़ी थोड़ी सी तोड़ी जा रही है, जैसे कि पानी पूरी के अंदर पूरी को तोड़ा जाता है। और उसके बाद आने वाले वो सॉस, वो चटनी जो इन्होंने खुद बनाया है और सबसे अलग बनाया है, तो बताइए कौन सा है सबसे पहले? अच्छा, तो गाइस बने रहना हमारे साथ आप लोग वीडियो में, क्योंकि हम बताएंगे आपको इनका लोकेशन। और ये क्या चीज है? ये है ना स्पाइसी, हॉट एंड श्योर जो बन रहा है ना, अच्छा टेस्ट लिया है। इसके बाद ये क्या रहने वाला है? ये सब मिक्स करके कर देंगे लिक्विड चीज। अच्छा, तो गाइज अगर आप भी यहाँ पर आने वाले हो पुचका ट्विस्ट ट्राई करने, तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये क्या क्या चीजें मिक्स इसमें? ये मिक्सचर है इसका। तो देखिए इसमें कैप्सिकम है, टमाटो दिख रहा है, स्वीट कॉर्न दिख रहा है और बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात बताओ कि यहाँ पे हाइजीन, भाई हाइजीन आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, पूरा फ्रेश है। क्या बात है, ये देखिए इस तरीके से पूरा जिपर लॉक वाले बैग के अंदर रखा जाता है और एकदम आइसोलेटेड बैग है। अच्छा वाओ, क्या बात है, इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो आप घर में खाना भी बना लेते हो कि सिर्फ यही बनाते हो? अच्छा क्या बात है, ये कैबेज डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल आपकी हेल्प मम्मी करती है साथ में? यस। अच्छा, तो मम्मी की हेल्प से ये सब कुछ रेडी हो जाता है, बाद में पापा के साथ खड़े होके यहाँ पर आप सेल करते हो? यस। और ये देखिए ऊपर से डाला गया थोड़ा सा धनिया। वाओ, वैसे आपका नाम ज्ञानी किसने रखा था आपको पता है? पापा ने रखा था। तो पापा ने जो नाम रखा था उसको आपने साबित कर दिया, ज्ञानी नाम है और ज्ञान का आप भंडार हो, इतनी कम एज में इतना अच्छा आपने बिजनेस सेटअप कर दिया है। और देखो आपके पापा भी आपके साथ खड़े हैं। हरदम क्या होता है कि पापा के साथ बच्चे होते हैं, पर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बच्चे के साथ पापा खड़े हैं। सही बात। वाओ ग्रेट, ये फ्लोर पे लाने के लिए जो मेरे को मोटिवेशन मिला ना, मैं जो हुआ तो इसकी वजह से। क्या बात है, ये चीज करने से डरने का नहीं है, पब्लिक जो भी बोलती है वो खाली सुनो। सही बात है, वो सही उसका जो मेरे को जो मोड मिला है। तो ये मायोनीज डाला गया और उसके बाद ये चीज प्रोसेस चीज था। तो हमारा पुचका फाइनली रेडी हो चुका है, चलिए अब पुचका हम लोग खाते हैं, आपको प्राइस और लोकेशन बताते हैं। ये क्या क्या चीजें हैं? ये चिली फ्लेक्स और ओरिगानो। आप कितना पुचका खा जाते हो?
वो तो घर वाले मेरे को तो दो तीन पसंद, दो तीन प्लेट खाते हो। दो ही तीन खाते हो, अच्छा कोई नया फ्लेवर लाने का सोचा है आपने? यस, पंजाबी टेस्ट। अच्छा वाह, क्या बात है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये जो कर रहे हैं उसके अंदर अपग्रेड लाने का भी काम इन्होंने चालू रखा है अभी। तो वो सॉस टेस्ट हो गया फाइनल? हाँ, डन हो। अच्छा वो टेस्टिंग हो चुका है, लाना बाकी है। अच्छा चलिए फिर हम इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ का ट्विस्ट आप लोग देख सकते हैं, बना करके इन्होंने दे दिया है। इसकी प्राइस मात्र 30 रुपये। 30 रुपये में इसकी क्वांटिटी क्वालिटी अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत ही अच्छी रखी गई है, और दिख बड़ा लाजवाब रहा है भाई। चीज़ वीज डालने के बाद एकदम कमाल का है। गाइस पूरी जो एकदम फ्रेश है, क्रंची डाल रहे हैं, अंदर जो सॉसेज डाले गए उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, और जो ऊपर से वेजिटेबल्स डाले गए तो उसका प्रॉपर फ्रेश टेस्ट आ रहा है। भाई घुमक्कड़ पूरी इंडिया को ये बहुत ही पसंद आया, आप लोग भी आकर के यहाँ पर इसे ट्राई कर सकते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। इनका लोकेशन इनसे पूछ करके मैं आपको बता देता हूँ, आइए। पाल आती हूँ, वहाँ पे जो ब्रिज ऊपर पे अडाजन से अपने आते हैं सर, आप बता रहे थे कोई और लोकेशन पे आप रहते हैं, वो लोकेशन हाँ, बताइए। मेन जो मेरा काउंटर है वो जहांगीरपुरा में है, एमबी सर्कल जो बोलते हैं 5 स्क्वायर बिल्डिंग के बगल में, वहाँ अंजनी ग्रीन करके पार्टी प्लॉट है, उसके बिल्कुल सामने है। क्या टाइमिंग है वहाँ पे? 4:30 to 9:30। चलिए गाइस एक बार मैं आपको यहाँ का भी लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये है पाल रोड RTO वाला, सामने फुट ओवर ब्रिज, और यहाँ पे एग्जैक्ट ये खड़े रहते हैं। यहाँ पे आप रोज लगाते हो सर? हाँ सर, डेली डेली रहते हो। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।